गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक और कमाल के लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो गजब की 20 पैसे के साथ आता है, जिससे लैपटॉप स्टूडेंट्स या क्रिएटर्स के लिए काफी ऑसम डील रहेगा 70,000 रुपीस में। और बता दें, ये लैपटॉप आता है HP की ओर से, HP NV13 AY1059AU, और आपको इसमें प्रोवाइड किया गया AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, 13-inch टच डिस्प्ले एंड प्रीलोडेड विंडोज 11 होम, जिससे आपको इसमें फिल्मोरा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एमएस ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ इस लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा या नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर से। आपको इस लैपटॉप में AMD का 5000 सीरीज का Ryzen 5 5600U प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, और इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.3 GHz तक की रहने वाली है, जिसे 4.2 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और एक AMD का 6 कोर और 12 हेड्स का प्रोसेसर है, और इसी के साथ इसमें 16 MB की L3 कैश मेमोरी दी गई है, जिससे आप इस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इसको फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और आप इसमें ब्लॉगिंग, लोगो डिजाइनिंग या कोडिंग से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये लैपटॉप आपके पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने या अदर ऑफिस वर्क के लिए भी गुड चॉइस है। और बता दें, ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी एंड 25 वॉट की TDP पर रन करता है, जिससे बैटरी को कम कंज्यूम करेगा और ज्यादा हीट अप नहीं होगा। और अगर फ्रेंड्स में 5600U प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर का 5500U प्रोसेसर के साथ करूं, तो आप देख सकते हैं कि Cinebench R23 के सिंगल कोर में 17% तक का और मल्टी कोर में 7% तक का बूस्ट है, और Geekbench के सिंगल कोर में 19% तक का और मल्टी कोर में 16% तक बूस्ट देखने को मिलता है, और Plasma के सिंगल कोर में 19% तक का और मल्टी कोर में 18% तक का बूस्ट रहने वाला है। हमें इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, प्लस लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस, जो काफी अच्छी बात है, जिससे आप इसमें विंडोज 11 की सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया गया है। और चलिए अब आ जाते हैं इसके GPU पर। तो ये लैपटॉप आता है AMD के Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कैजुअल गेमिंग के लिए AMD का कमाल का GPU है, जिससे आप इसमें नॉर्मल सेटिंग्स पर GTA 5, FIFA एंड कॉल ऑफ ड्यूटी के जैसी गेम्स बड़े प्यार से खेल सकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें इलस्ट्रेटर और कॉल ऑफ ड्यूटी के जैसे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D लोगो डिजाइनिंग के लिए। और स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इस लैपटॉप में 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी मिलने वाली है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी, और आपको यहाँ पर फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और रैम की बात करूँ तो इसमें 8 GB की ऑनबोर्ड DDR4 रैम दी गई है, जो 3200 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। पर गाइस, इस लैपटॉप में एक ड्रॉबैक भी है कि ऑनबोर्ड रैम होने के कारण आप इस लैपटॉप की रैम को फ्यूचर में रिमूव या अपग्रेड नहीं कर सकेंगे। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इसमें 13.3 इंच का H2HF फुल HD IPS पैनल देखने को मिल जाता है, और गाइस, एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। और यहाँ पे इसमें 400 इंच तक की पिक ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर एक्यूरेसी का सपोर्ट दिया गया है, जिससे इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस इंडोर के साथ साथ आउटडोर में भी गुड इनफ रहेंगे। और बता दूं, आप इसे 360 डिग्री पर रोटेट करके टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। और डिजाइन की बात करूं तो HP के इस लैपटॉप का डिजाइन काफी प्रीमियम सा लगता है, और टॉप की लीड पर HP की ब्रांडिंग दी गई है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और इसके थिकनेस भी काफी कम है, ओनली 1.64 cm। और बता दूं, लैपटॉप के बैक पैनल में आगे पीछे रबर ग्रीस दी गई हैं, जिससे लैपटॉप में कच्ची ग्रिप बनी रहेगी, और हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें सिंगल फैन का सेटअप भी इंक्लूडेड है। और इस लैपटॉप का वेट 1.3 kg है, और एक HP का काफी थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इसे कैरी करना काफी कन्वीनियंट रहेगा, और लैपटॉप ब्लैक कलर में आता है। और स्पीकर्स में HP ने इस लैपटॉप में BNO के डुअल स्पीकर्स का सेटअप दिया है, जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त रहने वाली है। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए HP ने इस लैपटॉप में लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड के किस के बीच के अलाइनमेंट एंड की साइज दोनों काफी अच्छे हैं, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इसमें काफी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। और बता दें, इसके कीबोर्ड में बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है, जिससे आप इसे लो लाइट या डार्क कंडीशंस में भी यूज कर सकेंगे। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें एक लार्ज साइज का ट्रैकपैड देखने को मिलता है, जो विंडोज 11 के साइज जैसा को सपोर्ट करता है, और ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है।
और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जैसा आप इसमें बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन स्कैन में लॉगिन कर सकेंगे। और इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ को शानदार बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ 65 वॉट का चार्जर दिया है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 51 वॉट की लिथियम बैटरी लगी मिला ली है, जिससे आपको नॉर्मल यूसेज पर 3-4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और पोर्ट्स में हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के एक्सेसरीज पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 USB टाइप ए पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट एंड 1 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट एंड 1 USB टाइप ए पोर्ट दिया गया है। और चलिए बात करते हैं कि आप HP के इस लैपटॉप को किस तरीके के वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आप इस ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हैं, आप इसमें स्केचिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और आप इस लैपटॉप को वीडियो एडिटिंग या कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। और गाइस बता दें, ये लैपटॉप जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, आपको उसमें काफी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसमें 13.3 इंच का टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। इसमें AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो हमारा 612 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। इसमें 512 GB SSD स्टोरेज के साथ 8 GB रैम दी गई है। और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस MS Office इंक्लूडेड है। और आपको इस लैपटॉप में लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ के वर्जन्स भी देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी दिया गया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस अपने डे टू डे के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है, आप इसे 7-8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में HP का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो अभी लैपटॉप Amazon पर 68,990 रुपीस तक की शानदार कीमत के साथ आ रहा है। और इससे पहले कि गाइस इसका प्राइस इंक्रीज हो, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस सबसे ज्यादा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।